शुभम कौसम गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। जल तत्व की राशि और राशि का अधिपति मंगल ऐसी वृश्चिक राशि 2016 का साल आपके लिए कैसा जाएगा हम देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे आर्थिक में बिजनेस जो धंधा करते हैं उनके लिए यह साल अग्नि परीक्षा जैसा है और बहुत ही संभल कर ये साल आपको निकालना पड़ेगा। कहीं पर भी आपके स्वभाव के विरुद्ध भी जाके समाधान करके भी ये समय आपको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ये साल में कोई तक आए तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये तक में लाभ है तो ही उसमें आप रहना, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देना। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म का लाभ मिल रहा हो तो ये साल में आप नुकसान को अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये देखकर ही आपको डिसीजन लेना है। मेरा तो ये कहना है कि ये साल में आप किसी भी प्रकार का साहस न करें। आपके हाथ के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनसे भी आपको तकलीफ हो सकती है, तो ये साल में आपको बहुत ही संभल कर रहना जरूरी है। सर्विस करने वालों के लिए भी ऊपरी अधिकार से दंड मिले या शिक्षा मिले ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये साल में सर्विस और बिजनेस दोनों के लिए संभल कर रहना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कौटुंबिक दृष्टि से भी ये साल अच्छा नहीं है। कौटुंबिक छोटा बड़ा प्रश्न रहेगा, आपके पर ज़्यादा डिप्रेशन रहेगा, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा और उसके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। मित्र से, भाइयों से, बहनों से, वाद विवाद से दूर रहना, नहीं तो और भी तकलीफ हो सकती है, विखवाद बढ़ जाएगा। और अगर कोर्ट केस या ऐसा कुछ हो तो भी आप इसको निग्लेक्ट कर देना। अब हम बात करेंगे हेल्थ के लिए आपको ये साल में बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। 2016 में अगर आपको हाई बीपी है या कोई ऐसी बीमारी है जैसे थायराइड डायबिटीज़ तो आपको संभल कर रहना जरूरी है, या कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है, तो ये साल में आपको बहुत ही संभल कर रहना जरूरी है। 30 जनवरी 2016 से 18 सितंबर 2016 तक आर्थिक, कौटुंबिक और नौकरी या बिजनेस में संभालना जरूरी है। ये समय के अंदर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सभी तरह से ध्यान रख के ये साल आपको पास करना है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ये 2016 का साल ज़्यादा तकलीफ लेके आएगा या कम तकलीफ होगी, अगर आपको जानना है तो संपर्क कीजिए cosmoguru.com। शुभम।